सो है गाइज, वेलकम बैक टू अर न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू इन सी प्लस प्लस। ओके, सो इससे पहले आपको आई होप लूप्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, कोई भी डाउट होगा तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ओके, सो हम लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट्स से पहले मैं एक छोटा सा कोड लिखूंगा। ओके, फिर उसके बाद आप लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव। सो मैं क्या, सो आई होप आपको कोड विजिबल होगा। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल छोटा सा एक फॉर लूप यूज़ करता हूँ। ओके, सो आई होप फॉर लूप का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोड भी अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। मैं इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूँगा और मैं कहाँ तक ले जाऊँगा, लेट से मैं 10 तक ले जाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे सी आउट करूँगा, सिंपली सी आउट कर क्या करूँगा, आई की वैल्यू सी आउट करूँगा। ओके, सिंपली मैं आई की वैल्यू सी आउट करता हूँ तो इसका जो आउटपुट होगा, नो डाउट 1 से लेकर 10 तक मेरा काउंटिंग प्रिंट हो जाएगा। सो ये रहा, ये तो लूप का कॉन्सेप्ट रहा, मतलब 1 से 9 तक, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगाया। ओके, सो अब मैं चाहता हूँ कि इस लूप को किसी एक पॉइंट पर रोक दें कोई कंडीशन देकर। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कोई कंडीशन प्रोवाइड करके इस लूप को बीच में ही रोक दे। कोई कंडीशन क्या हो सकता है, लेट से मैं चाहता हूँ कि जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाए, ठीक है, वैसे ही क्या हो जाए, ये लूप रुक जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ब्रेक लगा दो उस लूप पे। समझ में आया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ i इज़ इक्वल टू 5। हम लोग इक्वल टू के लिए डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं। जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही हमारा जो लूप है वो रुक जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ब्रेक वर्ड का यूज़ करूँगा, वैसे ही मेरा लूप रुक जाएगा। तो मैं इसको रन कर देखता हूँ, सो लेट्स रन इट। सो जैसे ही इसको रन करेंगे, नो डाउट 1, 2, 3, 4, जैसे ही 5 हुआ वो क्या हो गया, हमारा रुक गया। समझ में आ रहा है, मतलब कि जो लूप है वो स्टॉप हो गया। अब इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो गई, यहाँ ब्रेक कर दिया, ठीक है, उसके बाद वो आई प्रिंट ही नहीं हुआ, मतलब जो 5 है वो प्रिंट नहीं हुआ। अगर हम चाहते हैं कि आई की वैल्यू 5 आते ही 5 प्रिंट भी हो और हमारा लूप भी रुक जाए, तो आप इस केस में क्या करो, ये सी आउट जहाँ लिखे है ना, इसके बाद लिख सकते हो अपना कंडीशन। तो इफ़ i की वैल्यू 5 हो जाए, ठीक है, इफ़ i इज इक्वल टू 5, इफ़ i इज इक्वल टू 5, आप सिंपली क्या करो, यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करो, ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट। सो इसको रन करते हैं। सो आई होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो 5 अपना कंडीशन चेक करने से पहले वो 5 प्रिंट हो गया होगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया। अब इसके बाद वो लूप में जाएगा नहीं, क्योंकि हमने कंडीशन दे दिया, एक पर्टिकुलर कंडीशन दे के आपने लूप को रोक दिया, ठीक है। सो लूप को रोकने के लिए किसी कंडीशन पर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सो लेट्स मूव इन आवर पीपीटी। व्हाट आई हैव रिटन, द ब्रेक स्टेटमेंट कैन आल्सो बी यूज टू जंप आउट ऑफ अ लूप, मतलब लूप से बाहर निकलने के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, ये हमारा क्या सिंटैक्स है। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से, कि अगर हम यहाँ पर इफ़ i इक्वल टू 4 करेंगे, मतलब मैंने जनरल केस लिया, ब्रेक करेंगे, वैसे ही क्या होगा, ये जैसे ही 4 होगा वो हमारा लूप रुक जाएगा वहाँ पर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट क्या है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट इन C++। ओके, सो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक्स 1 आइट्रेशन इन द लूप इफ़ अ स्पेसिफाइड कंडीशन ऑकर्स एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइट्रेशन इन द लूप। इसका मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सो लेट्स मूव इन आवर वन नोट एंड डिस्कस व्हाट आई हैव टोल्ड राइट नाउ। ओके, सो मैंने अभी क्या बताया, जैसा कि मैंने एक फॉर लूप का सेंटेंस लिखा है, ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी फॉर लूप। तो इसका आउटपुट क्या होगा, नो डाउट इसका जो आउटपुट होगा वो 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक प्रिंट हो जाएगा, ये आउटपुट रहा हम लोग का, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ आउटपुट मेरा ऐसा है 0, 1, मैं चाहता हूँ कि जो 2 है ये प्रिंट ना हो, बट हमारा लूप चले, मतलब कि 3, 4, 5 ऐसे से बाकी चीज़ें प्रिंट हो जाए। मतलब कि मैं क्या कर चाहता हूँ, किसी एक आइट्रेशन को डिस्कार्ड करना चाहता हूँ और नेक्स्ट आइट्रेशन से अपना लूप को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो इस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है, कंटिन्यू स्टेटमेंट मतलब कि इस चीज़ को निकालो और आगे से लूप में कंटिन्यू हो जाओ, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, जैसे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया था वैसे ही मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। सो चलते हैं VS कोड में और इसको देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव। सो जैसा कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया था ब्रेक स्टेटमेंट, मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, सो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है, और मैं करूँगा इंट आई इज़ इक्वल टू 0 से लेके i इज़ लेस देन 10, जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया। और मैं यहाँ पे सी आउट करूँगा, वॉट
सी आउट करता हूँ आई, ठीक है, इंडेल कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं लेट से इसको क्या करते हैं ना 20 करते हैं, थोड़ा आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा। ओके 20 करते हैं, सी आउट आई करते हैं। अब इसको जैसे ही प्रिंट करेंगे, जैसे ही रन करेंगे नो डाउट 0 से लेके 20 तक सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैंने 20 पे शायद इक्वल टू साइन नहीं लगाया है तो 90 तक प्रिंट हुआ। ओके अब मैं चाहता हूँ कि वो सारे नंबर हमको न मिले जो 2 से डिविजिबल है, तो मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन लगा दूंगा ऊपर में, इफ़ आई इज़ डिविजिबल बाई टू और इसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूंगा। इसका मतलब कि आई की वैल्यू जो भी 2 से डिविजिबल होगी वो मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, उस आइट्रेशन को ब्रेक करके वो नेक्स्ट आइट्रेशन में मूव कर जाएगा। सो लेट्स देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट आता है। सो नो डाउट इसका आउटपुट जो होगा, वो सारे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होंगे वो नहीं आएंगे। सो शुरू से देखते हैं, 1, 2 2 से डिविजिबल है, नहीं आया, 3 नहीं है, आ गया, ठीक है, 4 2 से डिविजिबल है, वो नहीं आया। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन C++ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्या रीज़न है, ओके आउटपुट में क्या अंतर आएगा इसे यूज़ करने से, इसको यूज़ करने से। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ओके और सारे PDF और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ओके